या आपका रिलेट करता है फैसिलिटेटिंग बैंक रिकवर हायर अमाउंट ऑफ बैड लोन्स देन दे रिकवर्ड अर्लियर, ठीक है। तो ये आपका जो है बैंकिंग टर्मिनोलॉजी से जो है आपका क्या है रिलेट है, जो लोग बेसिकली लोन वगैरह लेके पैसे वैसे नहीं देते बैड लोन की कैटेगरी में आ जाते हैं। ओके, सो थर्ड वुड बी द राइट आंसर। 22 भी आपका जो है क्या था, मैचिंग था, इसके मैं कोड देना भूल गई हूँ। ओके, क्या हो गया गलती से ना, जब क्रॉप हुआ होगा तो ये ऐसे ही आ गया ये क्वेश्चन जो है, लेकिन वैसे मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। 22 का जो आपका राइट आंसर था वो था फर्स्ट था, ठीक है। और इसके जो है देखो, सबसे पहले आपका ढूंढना जो आसान है यहाँ पे है रिवेन्यू डेफिसिट। रिवेन्यू डेफिसिट क्या होगा, एक्सेस ऑफ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रिवेन्यू रिसीव जो आप करेंगे, ठीक है। बजट डेफिसिट के लिए एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीव जो आपका हो जाता है। फिस्कल डेफिसिट के लिए जो है आपका क्या है यहाँ पे आप करते हो, एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीव लेस बोरोइंग, और ये आपका फिस्कल डेफिसिट। एंड प्राइमरी डेफिसिट इज योर हेयर योर कोई बात नहीं देवजनी, एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीव लेस बोरोइंग एंड इंटरेस्ट पेमेंट। तो इसका जो कोड बनेगा वो बनेगा थर्ड, देन उसके बाद फर्स्ट, देन टू, देन फोर, ठीक है। 3124 इज द राइट आंसर, मतलब और ये फर्स्ट कोड नंबर के ऊपर जो है मतलब उसमें था। 23 के अंदर जो है यहाँ पे बोलता है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर विच द एलोकेशन ऑफ इनपुट इज टेक्निकली एफिशिएंट। यार एक बात बताओ मुझे, क्या आप लोगों को ऐसा तो लग रहा कि मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, सही है ना स्पीड? ठीक है ना, इट इज टॉलरेबल और नॉट? अगर ऐसा कुछ लग रहा हो कि मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रही हूँ तो बता देना, ठीक है, मैं थोड़ा आराम से बोलूंगी। चूज द करेक्ट ऑप्शन, अच्छा थोड़ा सा ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर विच द एलोकेशन ऑफ इनपुट इज टेक्निकली एफिशिएंट, ठीक है। जो है ये आपका क्या है टेक्निकली एफिशिएंट जो है आपका यहाँ पे आपको देखने के लिए मिले, यहाँ पे खाली बी ओनली है, कंजम्पशन ऑफ वन गुड कैन नॉट बी इंक्रीज विदाउट डिक्रीजिंग द कंजम्पशन ऑफ अनदर गुड, ठीक है। एक गुड का जो है नहीं बढ़ा सकते दूसरे को कम किए बिना, ओके। उसके बाद 24th भी आपका मैचिंग था, 24th का राइट आंसर फर्स्ट है, क्वाजीरेंट ए मार्शल और डी रिकार्डो ने दिया है। प्लांट सेल्स का जो है आपका चैम्बरलिन का है, मोनोपोली पावर एपी लर्नर का है, और स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग ऑफ प्रेफरेंसेस जो है ये आपका डी वाला किसने दिया है जी, इट हैज बीन गिवन बाय द पी ए सैमसन ने जो है इसको यहाँ पे दिया है, ओके। फॉर अ कॉर्प डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन विच ऑफ द फिल्मिंग इज नॉट ट्रू, लीनियर होमोजीनियस होता है, कॉन्स्टेंट टेंड्स टू स्केल है इसके, क्योंकि जब आप 0.7 और 0.3 का आप सम कर दोगे तो ये 1 हो जाएगा, और 1 आ रहा है तो 1 का मतलब सी आर एस होता है। अल्फा प्लस बीटा का टोटल करते हो ना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 आ रहा है तो सी आर एस है इसके अंदर, और अगर ग्रेटर देन 1 आता तो आई आर एस होता, और अगर जो है आपका यहाँ पे इट वुड बी लेस देन 1 होता तो आपको यहाँ पे डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल देखने में मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत हंसी की बात थी, सबको पता है कि कॉर्प डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन की इलास्टिसिटी और सब्स्टिट्यूशन कितनी होती है, कितनी होती है भाई बताना जरा, 3 होती है, 1 होती है, ठीक है। तो इट इज करेक्टराइज बाय यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और थर्ड ऑप्शन में इसने अपना खुद ही का कॉन्ट्राडिक्शन कर दिया है, जीरो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन देखिए, ठीक है। तो जीरो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपको यहाँ देखने के लिए नहीं मिलता, इस वजह से उसे नॉट ट्रू पूछा था, सो राइट आंसर वुड बी थर्ड जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। यस देवजनी, एब्सोल्युटली आंसर जो आपका यहाँ पे थर्ड है, ठीक है। मुझे लगा आप इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वैल्यू बता रहे हो थर्ड, इस वजह से मैंने जो है यहाँ पे बोला, ओके। ओके गाइस, सो इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, देखिए अनअकैडमी प्लस की तरफ से आप लोगों के लिए सब्सक्रिप्शन मॉडल लॉन्च हो रखा है, जहाँ पे आपको लाइव एंड स्ट्रक्चर कोर्सेस एक ही जगह के ऊपर मिल जाते हैं, लेसंस बाय ऑल द टॉप एजुकेटर्स, वीकली क्विजेस भी होते हैं, और आपके यहाँ पे डाउट क्लियरिंग सेशंस भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। इकोनॉमिक्स में क्या कुछ है आप लोगों के लिए खास, जिनका भी पेपर गंदा गया यार डोंट वेस्ट योर टाइम और तैयारी शुरू करो, नोबडी इज गोइंग टू लिसन योर एक्सक्यूजेस कि आरसी आ गया था, टाइम कम था, पेपर मैंने अच्छा नहीं हुआ, कोई नहीं सुनने वाला, ठीक है। हर इंसान जो है अपना अपना अंतर्यामी होता है, सबको पता है कि आपकी कहाँ कुछ कमी रह गई या जो बेसिकली कमियां निकली हैं उनके ऊपर ओवरकम करो फटाफट से, ठीक है। और ये नहीं कि बस उसी बारे में सोच सोच के अपना मूड खराब करते हो, क्या हो गया क्या हो गया, जो हो गया सो हो गया, एंड लेट्स स्टार्ट समथिंग न्यू एंड लेट्स स्टार्ट प्रिपेयर विद अ फुल जोश के साथ जो है आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें, ठीक है। तो उसके लिए अनअकैडमी प्लस की तरफ से इकोनॉमिक्स के लिए आप लोगों के क्या कुछ खास आ रखा है, एक तो आपको यहाँ पे मिल रहा है कंप्लीट कोर्स मिल रहा है जून 2020 के लिए बता रही हूँ मैं,
ओके उसके बाद आपको यहाँ पे जो है 2009 से लेके 2019 वाले PYQs मतलब 10 साल के PYQs मैं आपको लाइव क्लास के अंदर करवा रही हूँ, ठीक है, विद एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन. उसके बाद जो है आपका दोनों की रिवीजन PYQ मतलब 10 साल के PYQs आप रिवाइज भी कर लोगे और उसके साथ साथ कंप्लीट कोर्स भी आप जो है यहाँ पे रिवाइज करोगे. आपका मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में स्पेशलाइजेशन बनाने के लिए आप लोगों का कोर्स मॉक टेस्ट, ठीक है. तो इतना सब कुछ यार जब मिल रहा है और की पॉइंट्स भी आप लोगों को मिल रहे हैं तो काहे इतना सोच रहे हो, डोंट थिंक मच, ठीक है. जल्दी से आज ही आप अपना सब्सक्रिप्शन ले लीजिए. और रेणुका जी ये स्टार्ट आपका जो है हो चुका है, आज से ही स्टार्ट हुआ है, 11 दिसंबर से वी हैव स्टार्टेड विद जो है हम लोगों ने आज ही अपना स्ट्रेटेजी कोर्स स्टार्ट करा है और 13 दिसंबर से मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स वाला शुरू हो रहा है. तो ऐसे ऐसे जो है ये आपका पूरा कंप्लीट 6 मंथ्स का पैकेज है. कई बार ऐसा लगता है यार ऑनलाइन है तो शायद बहुत महंगा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि यहाँ पे जो आपको बहुत ही चीप में बेस्ट क्वालिटी आपको मिल रही है. 6 मंथ्स का जो आपका सब्सक्राइब का फी है वो है आपका 8400. आई वुड रिकमेंड या 6 महीने से मत कम लेना क्योंकि 1 महीने का महंगा भी है. 1 महीने का जो है आपका सीधा 2100 फीस है तो 1 मंथ का लेके कोई फायदा भी नहीं. 1 मंथ में खाली आप मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स ही कवर कर पाओगे, ठीक है. तो सीधा 6 मंथ्स का लो, 6 मंथ्स का सस्ता भी है. और ये आपको 8400 भी जो है आपको यहाँ पे पूरा पे नहीं करना क्योंकि उसमें भी आपको 10% डिस्काउंट जो है आपको मिल जाएगा. 10% डिस्काउंट मिल जाएगा जब आप लोग मेरा ये रेफरल कोड अप्लाई करेंगे. ये है मेरा रेफरल कोड, दैट वुड बी तान्या भाटिया 1213, ठीक है. तो इसे अप्लाई करके आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और आपकी फीस आ जाएगी 7560. और अगर आपके पास अनअकैडमी के कुछ क्रेडिट्स हैं, ठीक है, अगर आपके पास अनअकैडमी के कुछ क्रेडिट्स हैं तो क्रेडिट्स के हिसाब से आपको 1 से लेके 10% डिस्काउंट और मिल सकता है. हाईएस्ट डिस्काउंट जो है वो आपको 10% का और मिल सकता है. तो आपको इफेक्टिवली 6720, ठीक है, देख लो इतना सस्ता आपका 6 मंथ्स का जो है आपका यहाँ पे पड़ रहा है. तो ये आपको जो है लगभग 6000 रुपए के अमाउंट में यार मिल रहा है. और सबसे बड़ी खुशखबरी यहाँ पे आप लोगों के लिए ये है कि इसी अमाउंट के अंदर जो है आपका पेपर वन है वो है फ्री फ्री फ्री, जो कि हमारे बेस्ट एजुकेटर्स मुफ्त है आपका पेपर वन, कुछ भी अलग से पे नहीं करना आपको. इसी में आपका जो है पेपर वन, हाँ रेणुका आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, 10% पूरा डिस्काउंट मिल जाएगा आपको क्रेडिट्स का, ठीक है. 10% आपको पूरा डिस्काउंट मिल जाएगा, ओके, क्रेडिट जब आप लोग यहाँ पे यूज करेंगे. और जो है आपको इफेक्टिवली 6000 के आसपास जो है यहाँ पे क्या करना है, पे करना है. और पेपर वन जो है हमारे बेस्ट एजुकेटर जिनको आप जानते ही होंगे, नवदीप एंड तलवीर, ठीक है. नवदीप एंड तलवीर जो है बेसिकली आपको दोनों पढ़ा रहे हैं मिलके, ठीक है. तो दे बोथ विल टीच यू. आप चाहो तो, चाहे तो आप एक का कोर्स अटेंड करो या आप चाहो तो आप दोनों का कोर्स भी अटेंड कर सकते हो. कोई आपके ऊपर बाउंडेशन नहीं है, अनलिमिटेड एक्सेस जो है क्या है आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ओके. यू विल गेट दी अनलिमिटेड एक्सेस फॉर ऑल दी लेक्चर्स एंड ऑल, ठीक है. अच्छा एक चीज और, बहुत सारे लोग मुझसे भी पूछ रहे हैं मैम 6 महीने की फीस जो है वो लगभग सिर्फ आपकी अच्छा वर्षा आपने एक ईयर कर लिया, बहुत बढ़िया. हाँ तो मैं आपको बता दूं जो 6 मंथ्स और 12 मंथ्स है, ठीक है, 6 मंथ्स और 12 मंथ्स में ज्यादा फर्क नहीं है फीस का. तो इसलिए 12 मंथ के ऊपर जो है वो 10,500 है, ठीक है. और इस पे भी जब आप सारे डिस्काउंट वगैरह सब कुछ आप अप्लाई कर लेंगे, मतलब 1 साल की जो फीस है वो कम है एज कंपेरिजन टू जो है आपका 6 मंथ्स का है, ठीक है. ये है आपका यहाँ पे 1050 आपका माइनस हो जाएगा रेफरल कोड अप्लाई करके, यानी कि आपका आ गया 9450, ओके. और अगर आप लोगों के पास क्रेडिट्स भी हैं, जैसे कि रेणुका जी के पास क्रेडिट्स हैं, तो क्रेडिट अप्लाई करके और 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. तो 8400 जो है आपकी इफेक्टिव फीस आ जाएगी किसकी, 12 मंथ्स की, ठीक है. ये आपका यहाँ पे इफेक्टिव फी आपको दोनों दे रखी है. तो आप सिलेक्ट कर लीजिए कि आपको 6 महीने का लेना है या 12 मंथ्स का लेना है. बोथ आर जो है एफिशिएंट है और दोनों में ही आपका फायदा हो रहा है. इकोनॉमिक्स तो वैसे हमेशा फायदे की बात करते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया. 1 मंथ का मत लेना, 1 मंथ यार 2100 रुपए 1 महीने के दोगे तो वो आप ही को लगेगा कि ज्यादा हो गया है ना. 1 ईयर का ली हूँ, अच्छा जी. क्लास टाइमिंग जो है मुरली जी, क्लास टाइमिंग आपका जो चल रहा है अभी, दैट इज दी, एक तो मेरी क्लास होती है मॉर्निंग में होती है 10 AM, ठीक है. और उसके बाद आफ्टरनून में होती है 7:30 to 9:30, ओके. एंड द लास्ट वन इज 10 to 11,
There are three classes which are going in the December month, okay? और इसी तरीके से आपका जनवरी में भी जो है आपका शेड्यूल जो है चलेगा. मतलब आपका ये कम से कम आपकी दो क्लास होती है एक दिन में, और ज्यादा से ज्यादा आपकी एक दिन के अंदर तीन क्लास होती है, एक एजुकेटर की बता रही हूँ मैं, ठीक है? तो और तो ये आपके सामने जो है पूरा प्रोसेस. अच्छा एक चीज और यार, सब्सक्रिप्शन लेते टाइम ना आप मुझसे जरूर कांटेक्ट कर लिया करो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि ना रेफरल कोड अप्लाई करते हैं ना क्रेडिट अप्लाई करते हैं, बाद में कहते हैं मैम हमें कैशबैक तो मिला ही नहीं. कैशबैक जैसा कोई सीन नहीं है यहाँ पे, उसी टाइम आप लोगों की फीस कम हो जाएगी, समझ आ गई? उसी टाइम फीस कम हो जाएगी और आपको ये वाला अमाउंट पे करना है, ना कि ये वाला पे करना है. बाद में मुझे बोलता है मैम हमारे पास कैशबैक तो आ नहीं रहा. तो मुझसे आप इस मेल आईडी पे कांटेक्ट कर लिया करो, tanyabhatia1213@gmail.com. इस पे आप अपना नंबर छोड़ दिया करो. अबाउट एनी कंफ्यूजन सब्सक्रिप्शन वगैरह मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगी. ओके चलिए लेट्स गेट मूव ऑन. कहाँ तक पहुंच गए थे हम लोग? क्वेश्चन नंबर 25 तक हम लोगों ने कर लिया था, है ना? उसके बाद जो है वी हैव कम ऑन दी क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर जो है हम लोग यहाँ पे आ गए थे. अरेंज द फॉलोइंग इन दी, क्या करना है आपको एक बार इसको फिर से आपको लगाना है. किसके अंदर लगाना है जी? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर जो है आपको इसको लगाना है, ठीक है? सो पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट, रियो अर्थ समिट, एंड थर्ड है आपका ब्रुटलैंड कमीशन, एंड फोर्थ है आपका कोटो प्रोटोकॉल, ठीक है? इनमें से जिसको जो भी आता है बताइए कि कब कब हुआ था. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है तो तभी आपको पता लग जाए लग पाएगा ना. पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट कब हुआ है आपका, कौन सी ईयर में हुआ है? एनीवन? किसको नहीं पता क्या? चलो कोई भी ऑप्शन बताओ. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि भाई यही पता होना चाहिए. ये हुआ है आपका 2016 में, और रियो अर्थ समिट आपकी हुई है 1992 में. ब्रुटलैंड कमीशन कब आई है, और कोटो प्रोटोकॉल? ये मैं आप लोगों से जानबूझ के पूछ रही हूँ ताकि जिसको ना भी याद हो उसको भी याद हो जाए. दो रह गए आपके, कोटो प्रोटोकॉल एंड अनदर वन इज दी ब्रुटलैंड कमीशन जो है आपका यहाँ पे CDBA. हाँ राइट आंसर तो आपका यहाँ पे जो है यही है, CBDA है जो आपका. कोटो प्रोटोकॉल है आपका यहाँ पे 1997 का, ओके? एंड द लास्ट वन इज दी ब्रुटलैंड कमीशन जो है, ये कब आया आपका? ये आपका आया था, इट हैड बीन कम इन दी 1987 में, ठीक है? तो इसको आप लगाएंगे, सबसे पहले आपका हो गया सी, देन डी, नहीं सी के बाद बी, फिर डी, फिर ए, ठीक है? तो इस तरीके से आपका ये करेक्ट ऑर्डर जो है आपका क्या है बना है, ओके? 27th में कहता है दो स्टेटमेंट दे रखे, इन ऑर्डर टू कंट्रोल इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी. आरबीआई क्या करता है, आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा देता है. बाय सो ड्यूरिंग आरबीआई विशेस टू कंट्रोल कंजम्पशन डिमांड. देखो रेपो रेट बढ़ाने का मतलब क्या है, रेपो रेट बढ़ाने का मतलब है कि कमर्शियल बैंक जो है आरबीआई से कम कर्जा ले, क्योंकि अगर ये आरबीआई से कम कर्जा लेंगे तो क्या देखने के लिए मिलेगा, लोगों के पास कर्जा कम जाएगा, लोगों के पास पैसे कम होंगे, ठीक है? तो ये तो पक्का सही है. बाय सो ड्यूरिंग आरबीआई विशेस टू कंट्रोल कंजम्पशन डिमांड, क्रेडिट डिमांड को कंट्रोल करना चाहता है वो, कंजम्पशन डिमांड को कंट्रोल नहीं करना चाहता, इसलिए ए इज ट्रू और आर इज फॉल्स हो जाएगा आपका यहाँ पे, ओके? थर्ड वुड बी द राइट आंसर. फिनोमिना ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ये भी मैंने हजारों बार अपने मॉक टेस्ट में आप लोगों से पूछा था. 28 में यहाँ पे क्या होता है, एन इंक्रीज इन द शेयर ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड से यहाँ पे क्या करेगा, रिलेट करता है, ओके? उसके बाद 29, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू कंसर्निंग अ ट्रायंगुलर और रिक्रूसिव सिस्टम. अगर आपका जो है यहाँ पे क्या है चल रहा है
यहाँ पे ए बी सी तीनों बातें ही सही है. द पैरामीटर्स कैन बी वैलिडली एस्टिमेटेड यूजिंग सेपरेट एप्लीकेशन जब आप यूज करते हो एलएस की. इंडिपेंडेंट वेरिएबल मे बी कोरिलेटेड आइटम के साथ वो कोरिलेट हो सकता है. एन एप्लीकेशन ऑफ टू स्टेज लीस्ट स्क्वायर जिसको हम टू एस एल एस के नाम से जानते हैं वुड लीड टू अनबायस्ड बट इनएफिशिएंट पैरामीटर जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं. ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल मे बी कोरिलेटेड, तो ऐसा नहीं होता कि आपका जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल कोरिलेट होगा इस वजह से. Friedman quantity theory of money concludes that change in the aggregate spending are primarily determined by the changes in किसके ऊपर depend करता है, money supply के ऊपर, changes के ऊपर जो है यहाँ पे क्या करेगा depend करेगा. Which is the correct chronological order of economists contributed to input output analysis के ऊपर जो है हम यहाँ पे आए हैं. यहाँ पे पहले कुछ ने, फिर Karl Marx, फिर Leontief, फिर Hocken Simon ने जो है यहाँ पे करा था. ओके, 32 क्वेश्चन आपका चैलेंज वाला है. ठीक है, जानते हो ना सारे 32, मैंने दिन में भी बताया था. 32 का NTA ने जो आंसर दिया है वो आप लोगों को दिया है, पब्लिक डेप्ट वाला इन्होंने दिया है. कौन सा दिया इन्होंने, सेकंड दिया था, बी एंड सी, ईडी डोमर एंड एसी पिगू. रेड से मैं इसलिए मार्क कर रही हूँ ताकि आपको पता लग जाए, रेड मतलब गलत है ना. और ग्रीन वाला जो है अभी सही है, सही वाला आपका होना चाहिए था एपी लर्नर होना चाहिए था, और यहाँ पे ए एच हैंसन यानी कि ए एन डी होना चाहिए था, थर्ड होना चाहिए था, मतलब ए एन डी होना चाहिए था, एपी लर्नर एंड ए एच हैंसन, और उसने जो बी एंड सी दिया है. सो दिस कैन बी चैलेंज, इसको आप चैलेंज कर सकते हो. ओके, 33 में आपका जो है न्यूमेरिकल है, गिवन द सेविंग फंक्शन अगर आपको दे रखा है और इन्वेस्टमेंट दे रखे, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ कंजम्पशन कितनी होगी. तो जिस तरीके से आप लोग जानते हैं सेविंग किसके इक्वल होती है जी, सेविंग आपके इन्वेस्टमेंट की इक्वल होती है. सेविंग फंक्शन है -20 प्लस 0.2y which would be equal to यहाँ पे 100. ये जो 20 है वहां जाके प्लस हो जाएगा तो 120 हो गया, और y की वैल्यू जो है यहाँ पे कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई आपके यहाँ पे 600 जो हो जाएगी. एक पॉइंट हमारा ये हो जाएगा, y की वैल्यू यानी कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आ गई 600. अब उसने इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम नहीं पूछा, उसने बोला इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ कंजम्पशन कितना होगा. इनकम को या तो इंसान कंज्यूम करता है या फिर सेव करता है. इनकम जब 600 है और कंजम्पशन निकालनी है, सेविंग आप लोग जानते हो किसके इक्वल होते हैं, इन्वेस्टमेंट के इक्वल होते हैं. इन्वेस्टमेंट कितना दे रखा था, 100 दे रखा था, तो ये 100 वहां जाके माइनस हो जाएगा एंड दिस वुड बी इक्वल टू कंजम्पशन. किसके इक्वल आनी थी, कंजम्पशन आपकी 500 के इक्वल जो है यहाँ पे क्या है हो जानी थी. ओके, सो यहाँ पे राइट आंसर वुड बी आपका 500 जो है यहाँ पे क्या है हो जाएगा 33 का. ओके, उसके बाद 34th क्वेश्चन, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन. इतनी चलाकी से उसने क्वेश्चन पूछा है ना, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन सिग्मा ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शन विच एडमिट्स ऑफ बोथ हिक्स एंड हैरड न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस जो है वो लेकर चलता है. कौन सा प्रोडक्शन फंक्शन होता है ऐसा जिसमें हिक्स और हैरड की न्यूट्रलिटी दोनों मिलती है. वेरी फेमस प्रोडक्शन फंक्शन, कॉर्ब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन. और कॉर्ब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है. तो सिग्मा जो है आपका यहाँ पे 1 के इक्वल होना था. ओके, व्हिच अमंग द फॉलोइंग आर द मेन पिलर्स ऑफ द बेसल थर्ड नॉर्म का जो है, तो यहाँ पे आपका मेन पिलर्स आपके यहाँ पे कौन कौन से हैं, ए बी सी, मिनिमल कैपिटल रिक्वायरमेंट, सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस और आपका मार्केट डिसिप्लिन. सो ए बी सी जो है आपका यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट वुड बी द राइट आंसर है. ओके, व्हेन द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपका क्या करता है, फॉल करता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल फॉल. देखो भाई क्या होगा, गाइस जस्ट गिव मी 2 मिनट्स फॉर सेटअप. ठीक है, अभी मुझे बस ये बता दो कि साउंड क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है. वो कैमरा लाना जरा लाइट वाला. ठीक है, साउंड क्लियर है ना. ओके, और सही दिख रहा है वीडियो वगैरह. अच्छा, मैं यहाँ पे देखो आप लोगों को ये कह रही थी कि जब भी आपका मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है क्या है, फॉल करता है बेसिकली. ठीक है, तो मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल करता है तो हर इंसान क्या हो जाता है, हर इंसान बॉन्ड की तरफ जो है क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा. क्यों अट्रैक्ट होता है जी, बॉन्ड की तरफ इसलिए अट्रैक्ट होता है क्योंकि बॉन्ड में उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है मार्केट से. ठीक है, तो बॉन्ड्स है तो उतने की उतने, इस वजह से यहाँ पे जो है क्या होगा, बॉन्ड का प्राइस जो है वो राइज हो जाता है और बॉन्ड यील्ड उसके साथ नेगेटिवली रिलेट होता है. बॉन्ड हाँ जी, बॉन्ड का प्राइस जो है बेसिकली आपका क्या हो रहा है यहाँ पे राइज हो रहा है, तो बॉन्ड यील्ड जो है वो आपका वहां पे क्या कर जाएगा, फॉल कर जाएगा. सो थर्ड वुड बी द राइट आंसर है. ओके, उसके बाद
जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, इसको भी आपको क्या करना था, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना था। तो यार जिस तरीके से आप इनकी थ्योरी पढ़ते हो ना, वही इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। ऑब्वियस सी बात है, हर किसी को हर एक साल थोड़ी ना याद होगा। सबसे पहले आप मार्शल की कार्डिनल थ्योरी पढ़ते हो, फिर हिक्स एंड एलन की इंडिफरेंस कर्व पढ़ते हो, फिर पील सैमसन की जो है आप क्या पढ़ते हो, विल्ड प्रेफरेंस पढ़ देते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका लगना था। 37 का राइट आंसर आपका जो है यहाँ पे क्या है, 4 है, ठीक है। अमंग नॉर्मल कॉस्ट का विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कर्व हैव अ मिनिमम पॉइंट, ठीक है। एवरेज कॉस्ट यू शेप होता है, मार्जिनल कॉस्ट भी आपका यू शेप होता है, उन दोनों का जो है आपको क्या है मिनिमम पॉइंट देखने के लिए मिलता है। लेकिन जब हम लोग एवरेज फिक्स कॉस्ट बनाते हैं, एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसा होता है जी, इट वुड बी लाइक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो है क्या है आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। सो ये आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, इस वजह से आपको यहाँ पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, इसलिए इसका यहाँ पे कोई भी फिक्स पॉइंट जो आपको नहीं देखने के लिए मिलता। सो फोर्थ वुड बी द राइट आंसर है, ओके। इंसिडेंस ऑफ टैक्स क्या होता है, इंसिडेंस ऑफ टैक्स आपका पता ही है कि द पर्सन और अ ग्रुप हु अल्टीमेट पेइंग द टैक्स, जो अल्टीमेटली जो क्या करता है लास्ट टाइम के ऊपर टैक्स की पेमेंट जो है क्या है करेगा, जिसके ऊपर बर्डन आने वाला है, उसको हम टैक्स इंसिडेंस कहते हैं। ये भी आपका PYQ था। 40th क्वेश्चन, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। क्लासिकल मॉडल इन्वेस्टमेंट डिमांड इज रिगार्डेड एज ऑटोनोमस ऑफ द चेंजेस इन इनकम और एम्प्लॉयमेंट, और रीजन में कहता है आपका इट इज वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी, जिसकी वजह से फुल एम्प्लॉयमेंट होती थी क्लासिकल मॉडल में, ठीक है। तो यहाँ पे आर तो ट्रू है, लेकिन ए जो है यहाँ पे फॉल्स है, ठीक है। ऑब्वियसली जो आपका इन्वेस्टमेंट डिमांड है वो डिपेंड करता है चेंज इन इनकम और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी, सो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। फोर्थ वुड बी द राइट आंसर हियर। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज